अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जिसमें हम जो है चॉकलेट बिस्किट बनाएंगे। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत कम चीज़ों में बहुत अच्छे बिस्किट बनते हैं, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। 3 पैकेट जो है हमने ये वाले मैरी बिस्किट लिए हैं। 1 पैकेट मैंने इसलिए नहीं खोला था ताकि मैं आपको बताऊँ कि मैंने कौन से वाले लिए हैं। ये मैंने खोल के रख लिए हैं। 3 टेबल स्पून हमने कोको पाउडर लिया है और 1 जो है हमें फ्रेश क्रीम चाहिए। 1 इस तरह के हमने लिए, जिसके अंदर आप देख सकते हैं चारों साइड जो है वो बंद होती हैं और 1 साइड जो है वो हमारी ओपन होती है। इसका इस्तेमाल मैं आपको एंड में बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि ये इस तरह से जो है वो सारे बिस्किट तोड़ लेने हैं। 1 बिस्किट के हमें 4 पीस कर लें इस तरह से। सारे बिस्किटों का इसी तरह से कर लें। ये आप देख सकते हैं बिस्किट जो है मैंने सारे तोड़ लिए हैं। अब एक पैन में जो है हम एक फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम डाल दें, उसके बाद 3 टेबल स्पून हमने कोको पाउडर दिया था हम वो डाल देंगे। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इस तरह करके ये आप देखें अच्छे से जो है मैंने इसको मेल्ट कर दिया है। इसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो आपने इसको और मेल्ट करना है। फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखना है कि बस ये मेल्ट हो। चीनी की क्वांटिटी मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये थोड़ी सी मेल्ट होती है, फिर हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, तकरीबन 6 या 7 टेबल स्पून। ये देखें आप, मेल्ट होना ये शुरू हो गई है और चीनी भी मैंने निकाल ली है। 7 टेबल स्पून जो है मैंने चीनी निकाली है, वो आप इसके अंदर डाल दीजिए। और अच्छे से जब तक चीनी जो है वो मिक्स ना हो जाए, इसको मिक्स करते रहेंगे हम। इसका कलर भी जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल चॉकलेट की तरह। ये देखें आप, कलर चेंज हो रहा है। पाँच मिनट तक आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करते रहेंगे। ये देखें आप, चॉकलेट जो हमारी अच्छे से जो है मेल्ट हो गई है, ये देखें, और चीनी भी अच्छे से हो गई है। अब हम फ्लेम जो है बंद कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमने जो बिस्किट किए थे वो हम डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें आप, बिस्किट में चॉकलेट बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो घुल चुकी है। अब हमने जो शॉपर मैंने आपको दिखाया था उसको हमने फोल्ड कर लिया ताकि हमारा जो बैटर है उसके अंदर आसानी से चला जाए। इस तरह से करके आपने उसको अंदर डाला है। सारा बैटर और चॉकलेट जो हमारी बच जाएगी सारी अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर डाल दी। ये आप देखें, बैटर जो हमारा बना था वो मैंने अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है। बिल्कुल जो है वो गोल इसका शेप देकर आपने इसको इस तरह से करना है, फोल्ड करते रहें।
कूल करने के बाद जो है वो आपको 2.5-3 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र कर देना है। ये आप देखें, इसको मैंने किस अच्छे तरीके से जो है वो कूल कर दिया, और 3 जो है वो रबड़ बैंड मैंने इसलिए लगाए ताकि बिल्कुल टाइट हो जाए और ये अच्छे से फ्रीज हो जाए। 2.5-3 घंटे तक जो हमें इसको अच्छे से जो है वो फ्रीज़ करना है। 2.5-3 घंटे तक जो है वो हमें इसको फ्रीज करना है ताकि अच्छे से जो है वो फ्रीज हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। ये देखें आप, ये मैंने फ्रीज़र से जो है वो निकाल ली, कम से कम 2 घंटे जो है मैंने उसको रखा है, अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं। ये देखें, प्रेस कर रही हूँ तो ये प्रेस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं। तो इसको खोलते हैं, ये देखें, ये मैंने निकाल लिया इसको अच्छे से। अब इसके हम कटिंग करेंगे, तेज छुरी से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से पूरा कटिंग, ये देखें कटिंग जो है मैंने अच्छे से कर लिया है इसकी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट भी लगा सकते हैं, तो घर पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि इसकी आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।